गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम बाल महाभारत का 8वां पाठ पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी, युद्ध विद्या सिखाई थी। तो सच में कौन थे गुरु द्रोणाचार्य, उनका क्या परिचय था, आइए जानते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। तो बच्चों, यहाँ तक आपने जाना कि महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य, और महर्षि भरद्वाज शिक्षा देते थे द्रोणाचार्य को भी, द्रुपद को भी, जो पांचाल नरेश का पुत्र था। और द्रुपद कभी कभी द्रोण को कहता था कि तुम मेरे मित्र हो, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य का विवाह भी हुआ कृपाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे, उनकी बहन से हुआ और उससे एक पुत्र पैदा हुआ अश्वत्थामा। फिर क्या हुआ, द्रोण पर एक बड़े गरीब थे, वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वे बोले, बेटा ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनके सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद गद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण ही हूँ। तो बच्चों, जैसा कि द्रुपद ने कहा था कि मैं राजा बनने पर तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन द्रोणाचार्य उनसे मिलने पहुंच गए। वो जानते थे कि आधा राज्य ना भी देगा तो कुछ ना कुछ मेरी मदद अवश्य करेगा द्रुपद, तो देखते हैं क्या मदद करता है। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। बच्चों, जानते हो द्रुपद ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे घमंड आ गया था राजा बनने का। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में होती है, जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा।
वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। तो बच्चों देखा आपने द्रोणाचार्य ने का कैसे अपमान किया राजा ध्रुपद ने, और उस अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और चुपचाप जाकर के अपने पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ हस्तिनापुर में चुपचाप रहने लगे। फिर एक दिन क्या होता है, एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर को निकालने का प्रयत्न करने लगे युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण, कृष्ण मतलब सांवले रंग का ब्राह्मण, मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा था। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद पर ऐसे जा लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरों से चिपकती गईं और जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। यह सब राजकुमार आश्चर्य से यह कर्तव्य देख रहे थे और उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर भीष्म पितामह से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। शायद भीष्म पितामह जानते थे द्रोणाचार्य को। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य से ही के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। उस समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज ध्रुपद को कैद कराने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने ध्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी ध्रुपद के आगे वे ठहर ना सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा ध्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए ध्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी वालों की हैसियत में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने ध्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा ध्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती है। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना ध्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई।
उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर में उसकी कामना पूरी हुई, उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र में रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना कि द्रोणाचार्य कौन थे, ध्रुपद कौन थे, इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई और ये दुश्मनी आगे चल करके किस रूप में परिणत हो गई, ये सारी कहानी हमने जाना। किस प्रकार से द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु बने, ये भी हमने जाना। तो बच्चों, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उसका उत्तर आप लिख करके अवश्य भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरु द्रोणाचार्य और ध्रुपद, इन दोनों की दुश्मनी के क्या कारण थे और द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। फिर से सुनिए प्रश्न को, गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में दुश्मनी कैसे हो गई थी, शत्रुता कैसे हो गई थी और उस शत्रुता का परिणाम क्या रहा, या ये कहा जाए उस शत्रुता में किसकी जीत हुई, या द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कैसे बदला लिया, इसको आपको संक्षेप में उत्तर लिख करके भेजना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।